यहाँ दोस्तों, तो एक आरसीबी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की आरसीबी में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज केदार यादव बहुत जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग का क्या लगता है कि आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के कमान संभाल सकते हैं केदार यादव? आरसीबी का अगला मैच दिल्ली से होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली को दिलेर को आरसीबी पिछाड़ सकता है या नहीं? इस वीडियो को बारे में आप लोग कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। केदार यादव डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छे खेल रहे थे, देखिए उनका फॉर्म इस आईपीएल में किस तरह का रहता है। इस बात को तो आरसीबी के फैन हर कोई जानता है की आरसीबी में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज कोई नहीं है। डेविड विली को जगह केदार यादव को लाया गया है, तो आप लोग देखिए केदार यादव को किस तरह का फॉर्म इस आईपीएल में रहता है। केदार यादव भारतीय क्रिकेट टीम में उतना अच्छा फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन देखिए इस आईपीएल में इनका किस तरह का फॉर्म रहता है। इस बात को आप लोग को तो पता ही होगा कि आरसीबी में जब केजीएफ चलता है तो बहुत बड़ा धमाल हो जाता है। ये फिल्म से कम नहीं है आरसीबी में, जैसे कि आप जानते हैं विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसी, अगर ये तीनों का बल्ला चलता है तो आप लोग जानते भी। अगर मामले में बात किया जाए तो अभी आरसीबी के बल्लेबाज फाफ डु प्लेसी अभी भी सबसे ऊपर चल रहे हैं। अगर विकेट के मामले में बात किया जाए तो अभी भी मोहम्मद सिराज अभी दूसरे नंबर पर विकेट के मामले में बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं खून पसीना एक करके। अगर अभी पॉइंट टेबल को बात किया जाए तो आरसीबी अभी भी पांचवा स्थान पे है। सीजन 16 में अगर बात किया जाए फाफ डु प्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, बात किया जाए मैक्सिको, तो मैक्सिको इतना बढ़िया फॉर्म यहाँ पे नहीं चल रहा, बस मैक्सिको के हाथ से एक ही बढ़िया पारी देखने को मिला था। मैक्सवेल बहुत ही अच्छे प्लेयर है, पर इस आईपीएल में अभी तक फॉर्म नहीं देखने के लिए मिला। बात करते हैं अगर दिनेश कार्तिक को, तो दिनेश कार्तिक को बल्ले से अभी तक इस आईपीएल में एक भी पचासा नहीं आया। दिनेश कार्तिक यहाँ बहुत घटिया फॉर्म से जूझ रहे हैं। दिनेश कार्तिक का बल्ला एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। आरसीबी में जब क्रिस गेल था तो सबसे हाईएस्ट स्कोर 263, अभी तक कोई आईपीएल में नहीं बना पाया। हाई स्कोर तो आप लोग का पता चल ही गया, लेकिन लो स्कोर को अगर बात किया जाए तो लो स्कोर भी यहाँ पे आरसीबी ने ही बनाया है। इस तरह से भारत में केजीएफ फिल्म हिट हुआ है, इसी तरह से आरसीबी में ये तीनों बल्लेबाज केजीएफ भी बहुत अच्छे तरह से फिट है और बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन के बारे में क्या लगता है, फिर सीजन 60 का ट्रॉफी यहाँ पे आरसीबी उठा सकता है या नहीं? लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा केदार यादव और इन तीनों बल्लेबाज केजीएफ के बारे में। पिछले मैच में बात किया जाए तो आरसीबी और लखनऊ से जो मैच हुआ था उसमें 130 रनों का टारगेट दिया था, उसमें विराट कोहली और प्लेसी का बहुत बेहतर भूमिका था और उस मैच को आरसीबी ने 18 रनों से जीत कर लिया था। इस प्रैक्टिस सेशन के बारे में हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और इस बार सीजन 60 का ट्रॉफी आप लोग ले जाइए। लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप लोग किस टीम का फैन है। अगर ये वीडियो आप लोग का अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।